लंबे काले बाल वाली चुड़ैल की नवरात्रि। कोमल मंदिर से बाहर आती है। कोमल के सिर के बाल उसके घुटने इतने लंबे काले घने थे। तभी एक अमीर लड़का रोहन कोमल को देखता है। वाह, कितने लंबे बाल है इस लड़की के, कौन है ये, इसे तो अपना बनाना ही होगा। तभी रोहन के पास खड़ी गांव की कुछ महिलाएं। बड़ी संस्कारी है कोमल बिटिया, आजकल ऐसी लड़कियां देखने को कहां मिलती हैं? सच कहां आपने दामिनी बहन, कोमल बिटिया माँ दुर्गा की सच्ची भक्त है। गांव की महिलाओं से कोमल की तारीफ और उसकी भक्ति की बातें सुनकर रोहन उसका दीवाना हो जाता है। इधर कोमल अपने छोटे से घर में आती है। वो अपने गरीब माता पिता तनुजा शेखर के साथ रहती है। कोमल बचपन से माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। वो अपने सवेरे की शुरुआत माँ के दर्शन, पूजा और दुर्गा माँ की मूर्ति का श्रृंगार करके करती है। कोमल के सिर के बाल बचपन से ही काफी लंबे घने थे। तनुजा, हमारी बिटिया कितने सच्चे मन से माता रानी की पूजा करती है ना? जी, सही कहा आपने। तभी कोमल अपने घर के आंगन में आती है। तभी वहां उसकी पड़ोसन उसकी बचपन की सहेली रिया आती है। रिया बहुत गोरी, खूबसूरत और अमीर लड़की थी, पर उसके सिर के बाल बहुत छोटे थे। रिया, हो गई तेरी सुबह? हाँ कोमल, अब तेरी तरह मुझे हर रोज सवेरे 5 बजे उठने की आदत नहीं है ना। तभी रोहन अपनी कार में अपने माता पिता उर्मिला, बलराम और बहन पायल के साथ वहाँ आता है। अरे रोहन, आप यहाँ? रिया, तुम कोमल को जानती हो? हाँ, आपकी तरह कोमल भी मेरी बचपन की सहेली है। रिया और रोहन दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। माँ, पिताजी, यही है वो कोमल। अरे वाह, कोमल जी के सर के बाल तो कितने लंबे हैं। रोहन बेटा, तू इस गरीब से शादी करना चाहता है? शादी? माँ, मैंने आपको पहले ही कहा है कि मैं शादी करूंगा तो केवल कोमल से ही करूंगा। ये सुनकर रिया दंग रह जाती है, क्योंकि रिया कॉलेज के समय से ही रोहन से प्यार किया करती थी। तभी कोमल सबको घर में ले आती है। रोहन के माता पिता उर्मिला, बलराम इस रिश्ते से नाखुश थे, पर रोहन की जिद के आगे वो यहां तक चले आए थे। तभी दोनों परिवार से बातचीत होने के बाद रोहन के माता पिता ने चाहकर भी 2 दिन बाद ही गरीब कोमल की शादी रोहन से करवा देते हैं। शादी के दूसरे दिन कोमल अपने अमीर ससुराल में सवेरे के 5 बजे उठती है। चलो मैं मंदिर होकर आती हूँ। कोमल नहाकर पूजा की थाली लिए मंदिर आती है और मंदिर की सफाई करने लगती है और माँ दुर्गा की मूर्ति का श्रृंगार करके पूजा करती है। माँ, आज से मेरी जीवन की नई शुरुआत होने जा रही है, मुझे शक्ति दीजिए माँ कि मैं सबको खुश रख सकूं। थोड़े समय बाद कोमल मंदिर से बाहर आती है। तभी एक पेड़ के पीछे छुपे रिया, उर्मिला, पायल तीनों कोमल को देखने लगते हैं। काकी जी, आपने मुझसे वादे किए थे कि आपकी बेटी रोहन की शादी मुझसे ही होगी, फिर आपने रोहन की शादी इस कोमल से क्यों करवा दी? रिया, रोहन की जिद के आगे हमें घुटने टेकने पड़े। इस गरीब कोमल के लंबे बाल देखकर रोहन इसका आशिक बन गया था ना, अब देखती जा हम इस कोमल के साथ क्या करते हैं। पायल और उर्मिला भी चाहते थे कि रोहन की शादी रिया से हो। रिया का पिता रोहन के पिता का दोस्त था। इधर कोमल घर आकर घरेलू काम में लग जाती है। रात का समय। रोहन, कल से नवरात्रि व्रत शुरू हो रहे हैं, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ना, मुझे नवरात्रि के लिए सामान लाना है। अच्छा, इसका मतलब तुम्हारे व्रत रहेंगे? हाँ रोहन, मैं हर साल नवरात्रि की व्रत रखती हूँ। अगले दिन सवेरे कोमल जल्दी उठकर घर से मंदिर चली जाती है। आज उसका नवरात्रि व्रत था। सवेरे के 10 बजे कोमल अब तक घर नहीं आई थी। माँ, कोमल कहाँ गई? पता नहीं बेटा, सवेरे मंदिर गई थी, अब तक आई नहीं। कमाल है, कहाँ है कोमल, अब तो 10 बजने को आए। तभी रोहन अपनी कार में मंदिर आता है, पर वहां कोमल नहीं थी। तभी रोहन मंदिर के पुजारी जी से कोमल के बारे में पूछता है। आज तो कोमल बिटिया मंदिर आई ही नहीं, रोज सवेरे मुझसे भी पहले आकर वो मंदिर की सफाई करती थी और मेरे साथ पूजा करती थी, पर पता नहीं आज वो क्यों नहीं आई। उसके बाद रोहन कोमल को पूरे गांव में तलाश करने लगता है। वो उसके मायके भी जाता है, पर वहां भी कोमल नहीं थी। करीब 3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। गाँव में नवरात्रि उत्सव चल रहा था और इधर कोमल के लापता होने से सब काफी परेशान थे। एक रात रोहन के घर रिया और उसके माता पिता सब बैठे थे। रोहन, मैं कह रही हूँ ना कि कोमल पीयूष के साथ भाग गई। वो बचपन से ही एक पीयूष नाम के लड़के से प्यार करती है। हाँ रोहन बेटा, हमें भी गांव वालों से पता चला है कि वो कोमल एक पीयूष नाम के लड़के से प्यार करती थी,
बेटा तू उसे भूल जा और रिया बिटिया से शादी कर ले। सब मिलकर रोहन को कोमल के बारे में बहकाते हैं और आखिर में सबकी बातों को सच मानकर रोहन कल ही रिया से शादी कर लेता है। रात का समय, रिया रोहन के कमरे में अकेली दुल्हन के ड्रेस में बैठी है। तभी वहां एक भयानक चुड़ैल प्रकट होती है जिसके बाल काफी लंबे थे। कौन हो तुम? तेरी मौत। तभी वो चुड़ैल अपनी बड़ी सी चोटी रिया के गले में फंसाकर उसे हवा में उठाती है। तभी वहां रोहन और बाकी सब आते हैं। उस चुड़ैल को देखकर सब दंग रह जाते हैं। अरे बाप रे चुड़ैल। तभी वो चुड़ैल अपनी चोटी से रिया के सिर के सारे बाल उखाड़ देती है और रिया गंजी होकर वहीं बेहोश हो जाती है। तभी वो चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। ये देखकर रोहन और सबके होश उड़ जाते हैं। रिया भाभी उठी ना, रिया भाभी। वो चुड़ैल अचानक कहां से आ गई थी? सब मिलकर रिया को डॉक्टर के पास ले जाते हैं जहां रिया कोमा में जा चुकी थी। तभी उस चुड़ैल की बात पूरे गांव में फैल जाती है। अरे बाप रे, वो चुड़ैल कहां से आ गई अपने गांव में? कहीं वो चुड़ैल रिया की तरह हमें भी तो गंजा नहीं कर देगी ना। रात के समय पायल सड़क से अपने घर की ओर जा रही थी। तभी उसके सामने वही भयानक चुड़ैल प्रकट होती है जिसने रिया के सर के बाल उखाड़े थे। चुड़ैल को देखकर पायल के होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो वही चुड़ैल है, भाग पायल। पायल भागने लगती है। तभी वो चुड़ैल अपनी लंबी चोटी से पायल के सिर के बाल पकड़ लेती है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो चुड़ैल, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी दुनिया उजाड़ कर कहती है, क्या बिगाड़ा है तूने? मैं वही कोमल हूँ जिसे रिया तेरी माँ और तूने जान से मारा था। रिया को तो मैंने सजा दे दी, अब तेरी बारी है। ये सुनकर पायल के होश उड़ जाते हैं। तभी चुड़ैल पायल के सिर के सारे बाल उखाड़ कर उसे भी पटक पटक कर बेहोश कर देती है। अगले दिन सवेरे पायल भी कोमा में जा चुकी थी। ये देखकर गांव वाले और कड़ी दहशत में आ जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? पहले रिया बहू के साथ उस चुड़ैल ने ऐसा किया और अब पायल बिटिया के साथ। आखिर क्या बिगाड़ा है हमने उस चुड़ैल का? वो क्यों हमारे परिवार की दुश्मन बन गई है? इसी तरह जब अगली रात सब नवरात्रि पर माँ दुर्गा के मंदिर में पूजा कर रहे थे, उस समय उर्मिला, शेखर और रोहन ये तीनों भी मंदिर में थे। तभी वहाँ सबके सामने वही चुड़ैल प्रकट होती है और वो उर्मिला को पकड़ लेती है। उस चुड़ैल को देखकर सारे गांव वाले घबरा जाते हैं। ए चुड़ैल, कौन है तू? छोड़ उर्मिला बहन को, वरना मैं तेरा यही सर्वनाश कर दूंगा। तभी वो चुड़ैल सबके सामने कोमल के अवतार में आ जाती है। कोमल, तू चुड़ैल कैसे बन गई? कोमल, तुम कहाँ चली गई थी? रोहन, तुम्हारी माँ रिया और पायल बहन ने मुझे जान से मार दिया था। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। कोमल, ये क्या बेहुदा इल्जाम लगा रही हो तुम? वो भला ऐसा क्यों करेंगे? तभी कोमल चुड़ैल अपनी लंबी चोटी उर्मिला के गले में फंसा देती है। उर्मिला दर्द के मारे तड़पने लगती है। माँ जी, बताइए सबको कि सच्चाई क्या है, बताइए, वरना मैं आपको जान से मार दूंगी। बताती हूँ रोहन बेटा, हमें कोमल बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैं चाहती थी कि तेरी शादी रिया से हो। एक दिन सवेरे के 5 बजे ये कोमल मंदिर आने के लिए गई, घर से बाहर आई थी। उस समय पायल, रिया और मैं, हम तीनों चुपके से कोमल के पीछे पीछे जा रहे थे। माँ जी, मारी ना इस कोमल को डंडा। तभी मैंने पीछे से कोमल के सर पर जोरदार डंडा मारा, जिसके बाद कोमल वहीं बेहोश हो गई। इस गरीब के लंबे बालों की वजह से रोहन इसका दीवाना हुआ था ना, अब मैं इसके लंबे बाल ही जला दूंगी। तभी हमने कोमल के सर के बाल को आग लगा दिए थे, पर हमें कहां पता था कि वो आग कोमल के बालों के साथ साथ कोमल को ही अपने चपेटे में ले लेगी। जब कोमल जलने लगी तो ये देखकर हम सब वहां से भाग गए। उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं पता। उसके बाद मेरी मौत हो गई। तब से मैं चुड़ैल बनकर गांव में भटकने लगी और अपने हत्यारों से बदला लेने लगी। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। तभी कोमल चुड़ैल उर्मिला के सिर के बाल उखाड़ कर उसे भी मार मार कर बेहोश कर देती है और सब गांव वालों के सामने नवरात्रि पूजा करके वहां से गायब हो जाती है। काफी समय से भूतिया लोक में सन्नाटे का माहौल छाया हुआ था। एक शाम कुछ भूत और चुड़ैल आपस में बातें कर रहे थे। अरे भाई, बोर हो रहा हूँ, अब तो ये ताश के पत्ते खेलने का भी मन नहीं हो रहा है। सही बोला राजीव भाई, कब से कोई दिवाली होली कुछ नहीं मनाया यहाँ पर।
जब धरती लोक पर थे तो कितने त्योहार मनाया करते थे। अब तो मेरा भी त्योहार मनाने का मन कर रहा है, लेकिन एक मिनट, अक्टूबर का महीना चल रहा है, दिवाली तो दूर है, तो फिर क्या करें? अरे तुम भूल गए क्या, 2 दिन बाद से नवरात्रि चालू है, क्यों ना हम मिलकर नवरात्रि मनाएं, कैसा रहेगा? अरे हाँ भाई, 9 दिन तक क्या माहौल होता है, और माता रानी की जमकर भक्ति भी करेंगे। मौत भी ऐसे समय पर आई थी जब नवरात्रि शुरू होने वाली थी। मैं तो दुर्गा माँ का बहुत बड़ा भक्त हूँ। अरे तुम अकेले नहीं हो, मुझे भी माता रानी की सेवा करने का बहुत मन है, और मैं पहले करती हुई थी। क्यों ना हम एक बड़ा सा पंडाल लगाएं, जहाँ गरबा, डांडिया और लास्ट में 9 छोटी छोटी कन्याओं को खाना भी खिलाएंगे। अरे वाह, क्या गजब का आइडिया है। तो चलो अपने आसपास के भूतिया लोगों को बता देते हैं कि इस बार हमारे भूतिया लोक में नवरात्रि मनाई जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल। तभी भूतिया विक्रम गले में ढोल बजाते बजाते सब लोगों को अगले दिन नवरात्रि मनाने की खबर दे देता है, और वो पांचों भूत और चुड़ैल मिलकर नवरात्रि का पांडाल बनाते हैं। अरे जरा और किल दियो, मुझे इसे मजबूत करना है। अबे ओ चुड़ैल, ऊपर क्या चढ़ी हुई है, नीचे गिरकर हाथ पैर तुड़वाना चाहती है क्या? फिर टेढ़ा मेढ़ा गरबा करेगी तू, मुझसे कह देती मैं पंडाल बना लेता। ए अपने आप को ज्यादा हीरो मत समझ, यहाँ मोहन राजीव भी हैं, तू भी आकर कर ले, और भूल मत मैं चुड़ैल हूँ, हाथ पैर टूटकर दोबारा जुड़ जाएंगे। हाँ हाँ चल ठीक है, अपने बाप को मत सिखा। तभी रागिनी चुड़ैल उड़कर नीचे आती है और मोहन उड़कर पंडाल बनाता है, जिसके बाद उनके टेंट का काम खत्म हो जाता है, और अगले दिन वो माता रानी की एक बड़ी सी मूर्ति को स्थापित कर देते हैं, जहां फुल रंग बिरंगी लाइट भी लगाई जाती है। तभी चुड़ैल दीपा कहती है, अरे वाह मेरे भूतिया छोरो, क्या मस्त दरबार सजाया है माता रानी का, तुम सबने मिलकर, ये देखो फल वगैरह मैंने लगा दिए हैं, थाली सजाती है, और मैंने अपने हाथ से मोतीचूर और बेसन के लड्डू भी बनाए हैं प्रसाद में। तो जैसी चुड़ैल चमगादड़ को ये शुभ काम करना भी आता है क्या? क्यों नहीं आता, मरने से पहले नवरात्रि में मैं ही बनाती थी ये सब, सादा मुंह मत खोल वरना लड्डू में जहर डालकर दे दूंगी। अफसोस, क्या फायदा, मैं मरने वाला नहीं हूँ तेरे जहर से। हाँ पर जो तू ये गंदे गंदे जोक मारती है ना, उससे जरूर कुछ हो जाएगा मुझे। शट अप गाइस, मुहूर्त हो गया है, पूजा आरंभ करो। ठीक है मैं करती हूँ। जयकारा शिरवारिदा, बोल साची दरबार की जय। तभी सारे भूत और चुड़ैल माता रानी के दरबार में हाथ जोड़ते हैं, तो कुछ डमरू ढोलक लेकर खड़े हो जाते हैं और कुछ घंटियां बजाते हैं। अम्बे तो है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुड़ गाएं बारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। पहाड़ों वाली माता की जय। अरे वाह आनंद आ गया आरती करके। ये तो है, एक अलग ही शांति मिली है। हाँ चलो अब प्रसाद ले लो। तभी रागिनी चुड़ैल सबको प्रसाद बांट देती है, लेकिन जिया नाम की एक चुड़ैल प्रसाद लेने से इनकार कर देती है। ये क्या कर रही हो, माता रानी के प्रसाद को कभी मना नहीं करते हैं, ये अच्छा ही है हमारे लिए। होता होगा अच्छा तुम लोगों के लिए, मुझे नहीं पसंद, तुम ही खाओ ये सब, मुझे तो देखना था आरती कैसे होती है, मैं तो मरने से पहले भी नहीं करती थी। तुम कितनी नास्तिक हो, ये तुम्हारी बातों से मुझे पता चल गया है, मत खाओ, मुझे चाहिए भी नहीं। दीपा को धक्का देकर जिया चुड़ैल चली जाती है। अरे तुम पागल वागल हो क्या, बदतमीज कहीं की। जाने दो यार, ये है ही ऐसी, इसको इसकी सजा दुर्गा माँ ही देंगी, अगर इसका बर्ताव ऐसे ही रहा तो। बिल्कुल सही बोला मोहन। ये कहकर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। 2 दिन बाद सारे भूत और चुड़ैल बेहद प्यार के साथ माता रानी की पूजा करते हैं, छोटी छोटी चुड़ैलों का सम्मान करते हैं। वहीं कुछ भूत और चुड़ैल ऐसे भी थे जो भूतिया लोक में एक दूसरे को परेशान करते थे, उनके पैसे छीनते थे, गाली गलौज करते थे। ए शोभित, तू लड़ क्यों रहा है, जब देखो मारा मारी करता रहता है। तो इसमें तेरे और तेरे बाप का क्या जा रहा है, तुझे कुछ पता तो नहीं है तो मत बोल, इसने मेरा हफ्ता नहीं दिया है तो पिटेगा ही। अरे बस बंद कर, ये गुंडागिरी तुम मरने के पहले करता था, लेकिन अब यहाँ करने की जरूरत नहीं है, और नवरात्रि के दिन मैं तो बिल्कुल भी नहीं। माहौल खराब मत कर यहाँ का, जब देखो गरीबों का पैसा मारता रहता है। भूतिया राजीव के धमकाने पर भूतिया शोभित चला जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, ये भूत हमें बहुत परेशान करता है, जब देखो हर हफ्ते पैसे मांगता रहता है,
अब मैं जूता पॉलिश करने वाला भूत कहां से ये सब लेकर आऊंगा। कोई बात नहीं, अब दोबारा ये सब होगा तो हमें बताना, हम आ जाएंगे। ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। शाम को दुर्गा पूजा की आरती में जरूर आना। जी बिल्कुल। ये कहकर राजीव चला जाता है। इस तरह नवरात्रि के 9 दिन तक सारे भूत और चुड़ैल मिलकर अच्छे से माता रानी की पूजा करते हैं। इतना ही नहीं, रात में गरबा और डांडिया का जश्न भी हुआ करता था। फिर 9वें दिन 9 छोटी चुड़ैल कन्याओं को बुलाकर दीपा रागिनी चुड़ैल उनके पैर धोती है, माता की चुनरी उड़ा देती है और प्यार से भरपेट उन्हें खाना खिलाती है। बच्चों, तुम्हें और खाना चाहिए तो बताओ। नहीं नहीं, मुझे हलवा चाहिए, वो बहुत अच्छा लग रहा है, मीठा मीठा। ये ले बेटा नारियल खा, तुम खत्म करके जाना माता रानी का प्रसाद। ठीक है चुड़ैल आंटी। तुम सारे भूत वहाँ भूत बनकर क्यों खड़े हो? राजीव, मोहन, विक्रम, यहाँ पर आकर कन्याओं के पैर छुओ, इनका आशीर्वाद लो। हाँ हाँ बिल्कुल आ रहे हैं। पहले अपनी कन्याओं को उनके तोहफे तो दे दें। देखो तुम्हारे लिए सुंदर सुंदर कपड़े हैं, हेयर बैंड है, चूड़ियां है, ये लो ये लो। तभी पांचों भूत और चुड़ैल छोटी कन्याओं के पैर छूते हैं, जिसके बाद वो तोहफा लेकर अपने अपने घर चली जाती हैं। तभी माता रानी की बड़ी मूर्ति से एक तेज रोशनी में माता रानी प्रकट होती हैं और कहती हैं, मेरे प्रिय संतानों, मैं तुम सबसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। भूतिया लोक में होने के बावजूद भी तुम सबने मिलकर इतने अच्छे से नवरात्रि का त्योहार मनाया, मेरी सेवा की और गरीब लोगों की मदद भी की, इसीलिए मैं तुम सबको आशीर्वाद देती हूँ। तुम सबकी शक्तियाँ समय समय पर अच्छाई करने पर बढ़ जाएंगी, लेकिन यदि कुछ गलत किया तो शक्तियाँ विघटित भी हो जाएंगी। शुक्रिया माता रानी, आपके साक्षात दर्शन पाकर हम बहुत खुश हो गए। हम आपका कोटि कोटि प्रणाम करते हैं माता रानी, ऐसे ही अपनी कृपा हम पर बनाए रखना। माता रानी, आपने हमें आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? हाँ माता रानी। भूलो मत, मैंने अभी क्या कहा था, पापियों को शक्तियाँ बिल्कुल नहीं मिलेंगी। अगले साल अच्छे कर्म करना, फल खुद प्राप्त हो जाएगा। तभी दुर्गा माँ अंतर्ध्यान हो जाती हैं, जिसके बाद पापियों को उनकी सजा मिल जाती है और अगले साल वो फिर से नवरात्रि की पूजा करते हैं, जिससे उन्हें सौभाग्य स्वरूप माता रानी का आशीर्वाद मिलता है और वो सब खुशी खुशी भूतिया लोक में रहने लगते हैं।